जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच रामबन जिले के बनिहाल में बीजेपी ने जीत दर्ज करने का दावा किया है। पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद सलीम भट्ट ने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करेगी। मोहम्मद सलीम भट्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसी कांग्रेस और पीडीपी ने जनता को हमेशा धोखा दिया है। बीजेपी सरकार ने हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान और स्वास्थ्य कार्ड योजना समेत कई स्कीमों के जरिए फायदा पहुंचाया है। ऐसे में जनता को अब बीजेपी को मौका देना चाहिए। आज का जो मीटिंग का मुद्दा और मकसद ये था कि हमने हर पोलिंग बूथ को रीचेकिंग करने की बात रखी है। अपने जो हमारे कारकुन हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं तो उनको हमने टास्क दिया है कि हर पोलिंग बूथ से 50 से लेकर 100-100 लोगों को दोबारा से जोड़े, ताकि हमारा जो एक बगीचा लगा हुआ है कमल का बीज जो हमने बोया है तो इंशाल्लाह अब काटने का टाइम भी आया है, मगर हम चाहते हैं कि अपने बगीचे को हम अच्छी तरह पैरवाई करें, अपने बगीचे को हम सजाएं सहराएं ताकि कमल का फूल यहाँ से खिल के जाए तो यहाँ का विकास हो, यहाँ का भाईचारा कायम दायम रहे और यहाँ पर जो स्कूलों की कमी है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आज अमीर और गरीब की लड़ाई है, गुक्कार अलायंस, फलाना अलायंस, ताकि मेरे गरीब को फिर गुमराह करने वाली बात है। अब लोग जाग चुके हैं।